मुझे आश्चर्य है और रहा कि किसानों का ढोंग सहायता का ढोंग पीटने वाले लोग 13 महीने किसान हमारी माताएं बहनें बुजुर्ग किस हाल में वहां रहे दिल्ली बॉर्डर पर सिंधु बॉर्डर पर और दूसरे बॉर्डर पर ये देखने वाला कोई नहीं था और ये ढोंग पीट रहे हैं कि किसानों के हमदर्द हैं हम फसल का दाम दुगना करेंगे। और एक मेरे भाई कह रहे थे कि मुख्यमंत्री जी सारे जिलों में घूमे, अरे मुख्यमंत्री जी तो भाई मुखिया है, उड़न खटोला है, सारा मतलब उनके साथ है। हमारा तो कोई आदमी बाहर निकलता था जब लॉकडाउन था तो कह के इसमें फंसा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो आपका तो राज था जो चाहते करते भैया। लोग कानून व्यवस्था की बात कर रहे हैं, पहली सरकार है उत्तर प्रदेश की जिसमें SP फरार है, SP फरार है, आज तक इनके हाथ नहीं आया। कोई दरोगा सिपाही फरार होता, कोई मुलजिम ऐसा होता तो इसे ढूंढ लेते, SP फरार है, इनके जानकारी में होगा और जहां भी होगा, लेकिन आज तक पता नहीं कर पाए। मैं चाहता हूं पता करिए, उसका मकान को ढहाइए, उस पर बुलडोजर चलाइए। महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं, शिक्षा मित्रों का बहुत बुरा हाल है, कई बच्चों ने सुसाइड कर लिया। मैं ये चाहूंगा कि सरकार उनको नियमित करे, अध्यापक का काम ले रही है तो तनख्वाह भी उनको अध्यापक की दी जाए, और अध्यक्ष जी जो संविदा पर कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको भी नियमित किया जाए। फिर देश के सभी मंडलों में विश्वविद्यालय है, सिर्फ मुरादाबाद मंडल ऐसा है जिसमें विश्वविद्यालय नहीं है। मैं चाहूंगा आपके माध्यम से कि सरकार वहां तत्काल विश्वविद्यालय, सरकारी विश्वविद्यालय की स्थापना कराए। और किसान जिस चीज को खरीदता है वो महंगी और जो बेचता है वो सस्ती, और इनके साथ जब आ जाती है इनके व्यापारियों पर वो एकदम महंगी, किसान के घर से जाएगी तो सस्ती। पेपर राउट तो आम बात है, गजरौला में हमारे यहाँ गजरौला औद्योगिक इकाइयों का गढ़ है, वहां इतना प्रदूषण है कि मेरे भाई ये BJP के लोग भी निकलते होंगे तो मुंह पर रुमाल लगा लेते होंगे, इतनी बदबू और इतना प्रदूषण है। और वहां मेरा लगा हुआ क्षेत्र है नवासाबाद, उसमें किसान कैंसर से पीड़ित हैं, दवाई नहीं और उनकी फसल भी चौपट हो गई, नीचे से नल से पानी आता है, काला आता है, सरकार नहीं देख रही, इस पे काम कराया जाए। और दूसरे राम मंदिर की बात करते हैं, राम मंदिर तो राम हमारे बीच में ही है, जितने आपके हैं यार क्यों ढोंग पीटते हो, बहुत हो लिया, आप कुछ काम करो किसान के लिए, जिस गरीब के लिए। जनवरी की ठंड में मैंने बहुत बच्चे ऐसे देखे हैं जिनके पैर में चप्पल नहीं थे, पहनने को जैकेट नहीं थी, स्वेटर नहीं थे, हमारे नारे मारते थे, आपके भी नारे मारते होंगे, इतनी ठिठकती सर्दी में, उनके लिए कुछ काम करा जाए, मैं सरकार से ये चाहूंगा। पुलिस इतना भेदभाव कर रही है, पुलिस तो इनकी वर्कर हो गई, सरकारी अधिकारी इनके वर्कर हो गए। मैं इनको चाहूंगा माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम पर कि उन पर अंकुश लगवाया जाए। बिजली का बहुत बुरा हाल है, मेरा गांव है एक कूबी गांव है अमरोहा का, नौगांव में पड़ता है वो। माननीय मंत्री जी मैं आपको भी कहूंगा, दोनों तरफ यहां तक 4 गुना दिया है और इधर भी 4 गुना दिया है, बीच में एक बेल्ट है, उसको सिर्फ 50,000 रुपए टोटल जमीन के दिए, यू कह तेरा पहले कर लिया इस बार, कई वर्ष पहले हो गई, अरे भाई बगल वाली भी अब हुई है, मेरी भी इधर भी अब हुई है, बहुत संवेदनशील मामला है। कई दिन धरना प्रदर्शन हुआ, मेरे भाई चेतन चौहान जी जो नहीं रहे इस सदन में, उनकी पत्नी MLA थी, वो भी इनके साथ आई थी, बात करी थी सरकार से, बात नहीं बनी। मैं चाहूंगा उनको उचित मुआवजा दिया जाए। टोल प्लाजा 60 किलोमीटर दूर होना चाहिए माननीय अध्यक्ष जी, और मेरे क्षेत्र के गांव जमापुर में टोल प्लाजा लगा है 30 किलोमीटर उधर गढ़ में है, उधर वहां है रजबपुर में, तो इसको देखकर 60 किलोमीटर की और भी कह जाए मेरे यहाँ का टोल प्लाजा खत्म किया जाए।